देखिए बेसिकली रेड पांडा जो है वो एक हाई एल्टीट्यूड में मिलने वाला एनिमल है। बेसिकली पांडा दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइंट पांडा हमारा जो वाइट पांडा होता है, और दूसरा होता है रेड पांडा जिसको हम लेसर पांडा भी कहते हैं। तो बेसिकली जो जाइंट पांडा होता है वो तो चाइना के पास ही है, वो उनके पास पेटेंट राइट्स है। उनके अगर किसी कंट्री या किसी जू को रेड जाइंट पांडा को होस्ट करना है तो उनको उनसे वो पेटेंट राइट लेने पड़ते हैं। और जो हमारे पास है वो है रेड पांडा। तो रेड पांडा बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड एनिमल है और ये बेसिकली आर्बोरियल होता है, मतलब पेड़ों में रहना पसंद करता है। तो हमारे पास करेंटली अभी 7 रेड पांडाज हैं। 2014 में हमारे पास दार्जिलिंग से एक पेयर रेड पांडा आए थे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन जू है पार्टिसिपेटरी वो है दार्जिलिंग जू, तो वहाँ से हमारे पास एक पेयर रेड पांडा आए थे। तो अब एक जू में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर हमारी सफलता इतनी अच्छी है कि अभी हमारे पास करेंटली 7 रेड पांडाज हो गए, और भविष्य में हमारे रेड पांडा और अच्छी पॉपुलेशन हो जाएगी इनकी। ये हमारा रेड पांडा के बारे में। बेसिकली जो हमारे रेड पांडा की डाइट है उसमें आती है रिंगाल ग्रास, जिसको हम बैम्बू ग्रास भी कहते हैं।